पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ग्राम पंचायत सिरसा इनायतपुर में इस बार चुनावी दंगल बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। लगातार प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या और सभी का तेज चुनाव प्रचार एक दूसरे के लिए परेशानी का सबब भी बन रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि क्षेत्र की जनता अभी भी अपने मन की बात को जुबान तक नहीं आने दे रही है। जब प्रत्याशियों से इस दौरान बात की गई तो ग्राम पंचायत सिरसा इनायतपुर की युवा और शिक्षित प्रत्याशी क्षमा इस बार चुनाव मैदान में है। आपको बता दें कि क्षमा ने ANM नर्सिंग किया है और वो क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उनका कहना है कि युवा सोच क्षेत्र में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। इस दौरान इस चुनाव में उनका साथ दे रही क्षमा के पिता रघुवीर सिंह का कहना है कि यदि जनता ने उनकी बेटी को विजयी बनाया तो उनकी बेटी क्षेत्र का विकास और बदलाव करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। कन्नी का चुनाव चिन्ह क्या प्राथमिकता रहेंगी गांव के विकास के लिए? सबका साथ सबका विकास, सबका होगा एक साथ सम्मान। जो गांव में अधूरे विकास कर रहे हैं उन्हें पूरा करने की, हो या मुसलमान, गांव के विकास एक समान होगा अधिकार। गांव के जो विकास कार्य अधूरे हैं उन्हें कैसे पूरा करवाएंगे? उनको कार्य योजना के अनुसार पूरा कराएंगे। क्या होना चाहिए अभी क्या नहीं हो रहा? हर गली में हर मोहल्ले में RCC या खरंजा होना चाहिए। कैसा रुझान मिल रहा है जनता के बीच जा रहे हैं तो? दूसरी बात यह है कि जहां भी हम जा रहे हैं लोग प्रयास कर रहे हैं हमसे कि आपको हम कामयाबी देंगे, किस उद्देश्य का विकास करेंगे। हर घर के अंदर आज तक जो प्रधानों ने लैट्रिन बनवाई है वो चौकों की बनवाई है। हम प्रधान बनने के बाद में लैट्रिन बनाएंगे फ्रेश वाली, जो कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, गंदगी गांव में ना फैले। कोई अपील करना चाहेंगे यहाँ की जनता से? जनता से अपील तो हम कर ही रहे हैं, जनता हमारे साथ है। जनता अगर हमें चाहेगी तो जिताएगी। जनता से क्या अपील करेंगे? हम तो 15-20 दिन से लगातार जनता में जुड़े हुए हैं, जनता से प्रयास कर रहे हैं हाथ जोड़ के। जनता अगर हमें जिता के पहुंचाएगी तभी हम इस काम कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद। इससे ये तो जनता का सम्मान है, जनता अगर हमें सम्मान देगी जनता का हम सम्मान देंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।